व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन चेन्नई जिसके इंग्रेडिएंट फ्लेवर सब मैक्सिको से आते हैं. इंटरेस्टिंग राइट? तो ये व्लॉग में मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहा था. इस व्लॉग में मैं मेक्सिकन फूड को ट्राई करने वाला हूँ. इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने इससे पहले कभी आउट ऑफ ओरिजिन फूड खाया नहीं है. तो एक क्विजिन खा रहा हूँ तो आई डोंट नो हाउ इट विल बी बिकॉज टेस्ट डेफिनेटली सिमिलर नहीं होएगा जैसे मैं खाता हूँ. तो आई एम एक्साइटेड कि मेक्सिकन फूड कैसा होगा. फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ तो लेट्स गो यार. तो वो जो जगह थी मेक्सिकन जगह वहाँ मैं आ गया हूँ. बट कैसे बताओ, रास्ते में आते वक्त मैंने अपना फ़ोन और कैमरा दोनों बैग के ऊपर रखा था और बैग जो था वो मेरे गोद में था. तो क्या हुआ, मैं उस चीज़ को ध्यान भी नहीं था मेरा कि बैग वगैरह सब मेरे जेब में मेरे गोद में है. एंड ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने बैग उठाया तो फ़ोन डायरेक्ट नीचे रोड पर गिर गया. उसके ऊपर स्ट्रेट अवे दो कार उसके ऊपर पूरी चढ़ के चली गई. एंड थैंक गॉड कि कैमरा जो था वो ऑटो में गिर गया. तब वो अगर नीचे गिरता खत्म था, लिटरली आज पूरा ख़त्म था. एंड जो फ़ोन की हालत है ना वो कुछ ऐसी है, पूरा गया भाई, पूरा गया. अभी मतलब जो फीलिंग है ना वो इतनी मिक्स्ड फीलिंग है ना, मैं खुश हूँ ना मैं अजीब सा लग रहा है बहुत. मैंने मम्मी को बता दिया इसके बारे में. गया सब कुछ गया. देखो शायद दिवाली का गिफ्ट आ जाए कुछ नहीं पता. तो चलो ये सब तो जो भी देख लेंगे. बस अब दुख भरी कहानी बंद करते हैं, अब चलते हैं स्ट्रेट वीडियो पे. तो फर्स्ट डिश जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है क्वेस्ट डिलास जलाए ला मिल्क पा करके एक डिश है जो एक क्रंची डिश है. So apparently this is a Japanese restaurant. Japanese restaurant. Huh? Mexican restaurant. तो इसी के बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पर स्टिल जो भी बनता है, जो भी फ्लेवर है, सारा जो भी है वो मेक्सिकन से ही यहाँ पर आता है. कैफे में हाँ जो स्टार्ट किया है. This is mother who sends the Mexican flavors and ingredients still. She sends the Mexican flavors and ingredients from Mexico. Every week or monthly like the Korea. So that the food is they are making the Mexican food to get the original flavor of their food. जो authenticity यहाँ पर मिलेगी Mexican food की वो कहीं और नहीं मिलेगी because they are actually selling what is sold over there in Mexico. So that's the OG, this kind of OG here. तो बिकॉज ऑफ दैट प्लेस आवाज़ काफ़ी गूंज रहा था और ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है. तो शॉर्ट में बताता हूँ कि वो जो फूड था वो थोड़ा बहुत स्पाइसी था. वो उसकी लेयरिंग एक ऊपर से एक रोटी की तरह थी, थिन लेयर की रोटी जैसे ऊपर से एक नीचे से एक एंड इन बिटवीन स्टफिंग्स था. पराठा जैसा आउटर लेयर है ना, काफ़ी क्रिस्पी है पराठे जैसा आउटर लेयर है, उसके अंदर स्टफिंग्स हैं एंड ऊपर से मेयोनीज एंड ऑल. और उसमें भी तीन से चार तरीके के माइनस है, समथिंग दिस इज ब्लैक पेपर एंड दिस मस्टर्ड आई थिंक. तो सेकंड डिश जो है वो है टैकोस फिल्ड विथ स्मोक मशरूम वेजीज एंड ऑल. एक रोटी की तरह सॉफ्ट कवरिंग था बाहर से, उसके ऊपर काफ़ी सारी वेजीज स्मोक मशरूम स्पैरागस जैसे कुछ लीफ था फिल करा गया था एंड उसको ऑल टुगेदर एक ही बार में उठा के खाने जैसा था वो. एंड उसका टेस्ट जो था बिल्कुल ही डिफरेंट था, मैंने ऐसा टेस्ट कभी ट्राई नहीं करा. दैट मेड इट स्पेशल.
वेरी डिफरेंट टेस्ट, वेरी डिफरेंट टेस्ट, दिस इज डिफरेंट. आई हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग डिफरेंट देन दिस. इट इज़ वेरी सिमिलर देन आवर फूड. ये ड्रिंक्स सब भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं एंड तभी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बाकी ड्रिंक्सों से और बहुत अच्छा लग रहा है. Different flavor. Hmm. Yeah, this one too. This one also watermelon with their lemon mixed. ये वाटरमेलन का हाईलाइट ये है कि इसमें लाइम ऐड कर रखा है विच मेक्स इट वे बेटर देन जस्ट नॉर्मल वाटरमेलन जूस. 810 कॉस्ट हुआ है विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. अगर हम देखें तो नॉर्मली थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वर्थ द ट्राई. सो या तो ये था कुछ टिंगा और रेस्टोरेंट का नाम ही टिंगा ऑथेंटिका मैक्सिकन है. दैट मीन्स जो वो सर्व करते हैं वो एक्चुअली वही सर्व करते हैं जो जहाँ का ओरिजिन. कुछ एक्सपेक्टर था इसमें इसलिए मैंने ये आगे ट्राई करा बट रेगुलर बेस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और बट जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज आई केम आउट हेयर. अदर कंट्री फूड है तो अगर यूजिंग द मैक्सिकन ओरिजिनल फ्लेवर्स. तो इसी वजह से समहाउ एक्सपेंसिव है बट वर्थ द ट्राई है. काफ़ी अच्छा था खाना. इसी के तरह हर स्ट्रीट्स में एक एक ऐसा स्टॉल लगा दिया ना तो जिनको ज़रूरत है उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से. ये चीज़ बाहर देश में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुकी है मगर हमारे देश में अभी आ रहा है स्लोली ग्रेजुअली. बट ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है. अब ज़्यादा कुछ जगह में देखने को मिल रहा है जो बहुत अच्छी चीज़ है. मतलब एक स्टॉल लगा दो और जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो किसी और की ज़रूरत बन सकती है ना. तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. तो हमारे देश में भी ये हर जगह लग जाए तो काफ़ी बेटर होएगा. तो जस्ट ना मैंने फ़ोन एक अपना फ़ोन जो था वो दुकान में दिखाया तो उन्होंने कहा एक बार कॉल करके देखो फ़ोन में. मैंने कॉल करा तो वाइब्रेट हो रहा था फ़ोन. तो जस्ट अपर बॉडी जो है वो टोटली चले गई तो वो कह रहे थे कि उसे चेंज कर देंगे. अराउंड ओरिजिनल जो है अराउंड 3000 समथिंग लगेगा एंड सेकंड क्वालिटी जो है वो अराउंड हाफ द प्राइस में आ जाएगा. तो अभी मम्मी से डिस्कस करता हूँ. अभी मेरे को नहीं पता नया लेना है या जो भी है मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ देर में. घर में बात कर ली. अभी फाइनलाइज नहीं करा कि कौन सा फ़ोन लेना है बट एक तरफ से हाँ हो गई है. एंड इसने आज फोर्स करा था मेरे को बाहर आने के लिए तो ये भी 50% इसका हकदार है कुत्ता. तो या ये मैंने ट्राई करा था कि एज एक फूड ब्लॉग जैसे एक फूड के बारे में बताने जैसा एक ओरिजिन से हट के कुछ फूड को एक्सप्लेन करने का ट्राई करा था. होप यू लाइक दिस वीडियो. ऐसी ही कुछ सिमिलर वीडियोज़ आती रहेगी फ्यूचर में. मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फूड ब्लॉग भी ऐड करा जाए तो फ्यूचर में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कंटिन्यूसली. कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताना. एंड अंदमारी नरे वीडियोस वरूँ लाइक फूड कंटेंट्स और ट्रैवल कंटेंट्स सब कुछ आएगा इस चैनल पे. So walk with Paul, eat with Paul. This is Walking Paul and me signing off. Bye bye.